तुम बुद्धों को पत्थर मारते हो और उन्हें मारने के बाद उन्हीं बुद्धों की पूजा कर लेते हो। जब कृष्ण थे तो तुमने कब माना कि कृष्ण परमात्मा है? अगर कृष्ण को परमात्मा मान ही लेते तो क्या राज्यसभा में उसे बंदी बनाने का आदेश पारित होता? अगर मान ही लेते तो क्या इतनी बड़ी सेना सामने से तीर चलाती? बुद्ध को अगर तुमने परमात्मा मान ही लिया होता तो बात ही खत्म थी, दुनिया धार्मिक हो गई होती। जीसस को अगर ईश्वर मान ही लिया होता तो कौन सूली चढ़ाता? हां, जिंदा को तुम कुछ नहीं समझते, उल्टा मारते हो, सूली चढ़ाते हो। और परमात्मा वो जिस पर भी उतरता है उसका मरना पहले ही निश्चित हो जाता है, तुम ही मारते हो। लेकिन मरता तो पहले से ही है, स्वयं को मारकर ही परमात्मा उतारा जा सकता है। हां, तुम मारते हो, बाद में उसी की दुकान बनाकर अपनी अपनी जीविका चलाते हो। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा आएगा तो तुम भी मरोगे। मैंने कई बार कहा तुम मर कर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा एक मिनट में दिखा दूंगा। सोचो, बूंद सागर का आवाहन करती है और अगर सागर आ भी गया तो बूंद बचेगी कैसे? बूंद को तो भीतर ही समेट लेगा सागर। इसी प्रकार परमात्मा जब भी आता है तो बुद्ध कहाँ बचते हैं? हाँ, नाम बचता है, जिसे जप कर तुम सभी स्वयं को धोखा दे लेते हो।